कोरोना वायरस के एक नए वायरस, एक अलग प्रकार के वायरस के आने की खबर मिल रही है। जी हाँ, जो कि बहुत ज्यादा तेजी के साथ फैल रहा है। इसी वजह से वहां महामारी के बाद ऐसी बहुत बड़ा आंकड़ा जो है सामने आ रहा है। इसके बाद से बहुत सारे देशों में ब्रिटेन आने जाने पर पाबंदियां लगा दी। नमस्कार, मैं राघव जैन। बात करेंगे कोरोना वायरस से भी ज्यादा एक खतरनाक वायरस की, जो ब्रिटेन में आ चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि वायरस हमेशा अपना रूप बदलते रहते हैं, यानी वो हमेशा इम्यूनिटी को करे तो वार करते हैं, उनके व्यवहार भी बदल जाते हैं। वैज्ञानिक पैनी नजर रखते हैं, लेकिन अब तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई, वो कम है। इसे लेकर कई सवाल और कुछ भी फिलहाल कहे तो सामने नहीं आ पा रहा, लेकिन चिंता बहुत बढ़ चुकी है। तीन बातों की वजह से ये सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। ये तेजी से वायरस दूसरे प्रकारों की जगह ले रहा है। हो सकता है कि वायरस के उन हिस्सों में बदलाव हो रहा हो जो महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ म्यूटेंट्स के साथ लैबोरेटरी में प्रयोग में देखा गया है कि उनकी मानव कोशिश को संक्रमित करने की क्षमता बढ़ जाती है। ये सभी इस ओर इशारा करते हैं कि वह पहले से अधिक तेजी से फैल सकता है। हालांकि निश्चित तौर पर अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वायरस का यह नया प्रकार कुछ सामान्य हो जाता सकता है अगर ये सही समय पर रुक जाए, और लंदन एक उदाहरण माना जा सकता है, जहां अभी तक बहुत सख्ती तो शुरू हो चुकी है। COVID-19 की बात करें तो प्रोफेसर लोमन ने बताया कि लैबोरेटरी टेस्ट की जरूरत होती है, ये बात सच है, लेकिन क्या कोई ऐसे कदम पहले से उठा सकते हैं जिससे इसको हम रोक पाएं या फिर इसके नतीजे को पता चल सके? इसका हमें इंतजार करना पड़ता है। ब्रिटेन में ये कितनी तेजी से फैल रहा है। कोरोना के नए प्रकार का पता सबसे पहले सितंबर में पता चला। नवंबर में लंदन में कोरोना संक्रमण के 1/4 मामलों में ये वायरस बजा था, मगर दिसंबर के मध्य आते आते 2/3 मामलों में संक्रमण की वजह यही वायरस पाया गया। आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन बोरिस ने शनिवार को कहा कि वायरस ने नया रूप ले लिया। फिलहाल पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ये COVID-19 बीमारी का कारण बनता है और पहले की अपेक्षा से 70% अधिक संक्रमित हो सकता है। 70% का ये आंकड़ा लंदन में डॉक्टर एरिक ने पिछले शुक्रवार को दिया था। उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, मगर अभी तक हमने जो देखा है यही लगता है ये बहुत जल्दी और पहले के प्रकारों की तुलना में तेजी से फैल रहा है, मगर इस पर नजर रखना बेहद जरूरी है। तो ब्रिटेन में ये नया प्रकार यहाँ आया है। ब्रिटेन में अभी वायरस का जो प्रकार मिल रहा है वो बहुत ज्यादा बदला हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि ये किसी ऐसे रोगी के शरीर में बदला जिसकी प्रतिरोधी क्षमता कमजोर थी, जिससे वो वायरस को नहीं मार सका, और ऐसे रोगियों के शरीर में ही इस वायरस ने मजबूत होकर अपना रूप बदल लिया। तो क्या इससे संक्रमण और खतरनाक हो जाएगा? फिलहाल तो इसका कोई प्रमाण नहीं मिल रहा, मगर इसकी निगरानी करनी होगी। लेकिन इससे स्थिति ऐसे खराब हो सकती है, अगर इसकी वजह से संक्रमण बढ़े तो अस्पतालों के ऊपर दबाव बढ़ेगा, जहां रोगियों की संख्या बढ़ सकती है। कोरोना वायरस के इस नए वायरस के कारण क्रिसमस से पहले ब्रिटेन में कड़े प्रतिबंध लग चुके हैं। जी हाँ, एक बार फिर से ब्रिटेन में बहुत ज्यादा सख्ती बढ़ चुकी है। जर्मनी भी बढ़ते संक्रमण को डरा गया, लगाया गया कड़ा लॉकडाउन। जी हाँ, वायरस के कारण नए प्रकार की वैक्सीन का असर होगा, ये लगभग निश्चित है कि असर होगा। कम से कम अभी तो ऐसा ही लग रहा है। ब्रिटेन में अभी जो चीन वैक्सीन है उसे शरीर की जो कहें क्षमता को मजबूत होगी। ऐसे में भले ही वायरस का रूप बदल, मगर प्रतिरोधी क्षमता उस पर हमला जरूर करेगी, उसको बेअसर करने की कोशिश जरूर करेगी। हालांकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रवि गुप्ता का कहना है कि अगर वायरस को बदल दिया जाए तो चिंता वाली बात हो सकती है कि अगर वायरस ज्यादा स्ट्रांग हो गए, वायरस को बचने के कहें तो कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। दरअसल वायरस वैक्सीन से बचने के लिए अपना रूप बदलता है, जिसके वैक्सीन पूरी तरह से कारगर नहीं हो पाती और वायरस लोगों को संक्रमित करता है। ऐसे में अभी जो कुछ हो रहा है सबसे ज्यादा चिंता की बात बन सकती है। ब्रिटेन की बात करें, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड ने पिछले शुक्रवार कहा कि हो सकता है कि वायरस ऐसा इम्यूनिट बन चुका है जो वैक्सीन से बच सकता है, और अगर यदि ऐसा होता है तो फिर स्थिति जो फ्लू के जैसी हो जाएगी, जहां वैक्सीन को नियमित रूप से अपडेट करना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि अभी जो वैक्सीन है उसमें बदलाव बड़ी आसानी से किया जा सकता है। उधर भारत सरकार ने ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइट 31 दिसंबर तक रोक दी है। इससे पहले यूरोप और दुनिया के कई अन्य देशों ने ब्रिटेन में आने वाली फ्लाइट को अस्थायी तौर पर बंद करने का फैसला किया। ब्रिटेन से आने वाले हर यात्री का
आरटीपीसीआर टेस्ट एयरपोर्ट पर किया जाएगा। ये फैसला 22 दिसंबर रात 12 बजे से ब्रिटेन से आने वाले सभी उड़ानों के लिए लागू होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन बोरिस ने भारत में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का न्योता भी स्वीकार किया है, जो जनवरी में भारत आने वाले हैं। हाल ही में ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने बताया कि भारत का दौरा करते लौटे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस ने भारत में गणतंत्र समारोह में शामिल होने का न्योता भी स्वीकार किया। तो देखना होगा कि अगर ये वायरस, जो नया वायरस है, अगर अपना विकराल रूप ले लेता है तो क्या वो भारत आएंगे गणतंत्र दिवस पे। तो आज कवर स्टोरी में हमने बात की कोरोना के बाद एक और वायरस ने दी दस्तक, और ये लग रहा है उससे भी ज्यादा खतरनाक। खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस।